हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह। स्वागत है आपका आरम सिविल सर्विसेज एकेडमी भोपाल में। मैंने आपको जैसा कि बता दिया था कि पटवारी के लिए हमारे यहाँ पे एक उत्सव बैच स्टार्ट किया गया है, और उत्सव बैच के साथ में टेस्ट सीरीज़ की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो टेस्ट सीरीज़ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में तो 799 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की तो ऑफलाइन मोड में 499 और ऑनलाइन मोड में 299 में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ MPPSC की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन में 1499 और ऑनलाइन में 999 में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन व्यक्ति को हमने देख लिया था, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, और इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहलाते हैं। क्यों? एनालिटिकल इंजन को इन्होंने डेवलप किया था, और वो ऐसा एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था जो आज के कंप्यूटर के जैसे उसका एक बेस के फॉर्म में काम करता है ना, जिसमें स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज फैसिलिटी भी देखने को मिलती थी। इसलिए जो आज का सिस्टम काम कर रहा है ये कुछ वैसे ही काम कर रहा था। इसलिए हम क्या बोल देते थे कि जो बेस था आज के सिस्टम का, जो बेस था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वो इनके द्वारा। इसलिए मॉडर्न कंप्यूटर का फादर जो है वो किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोल देते हैं। इसके बाद मैंने आपको टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। टॉपिक के बाद में मैंने आपको कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म जनरली पूछता है कभी कभी कि अलग अलग वर्ड के जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो हमने देखा था। ये एक स्ट्रक्चर हमने देख लिया था कि आखिर किस तरीके से चीज़ें होती हैं, काम क्या करती है। इंडिया का पहला कंप्यूटर की हम बात कर लिए थे। हेक 2M के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हेक 2M जो है वो आखिर कहाँ पर लाया गया था, कितने रुपए खर्च किए गए थे, किस तरीके से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कल हमने इसके बारे में बात कर ली थी। ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया था, कुछ इनपुट डिवाइसेस आपने देखी थी, कुछ आउटपुट डिवाइसेस आपने देखी थी, और ये बेस यूनिट जिसमें CU, ALU और मेमोरी यूनिट जैसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर प्रोसेसर या आपको दिखाई दिया था। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को आपको पता चल गया था कि 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार मनाया गया था 2001 में। 2 दिसंबर को मनाया जाता है, फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2001 में। क्लियर है? तो फर्स्ट टाइम मनाने के बाद में CDEC के बारे में हम बात कर लिए थे कि इंडिया में जब हम देखते हैं तो इंडिया में जो कंप्यूटर के फील्ड में जो सबसे, जैसे अगर मैं बात करूँ ना तो एडवांस कंप्यूटिंग के फील्ड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट करता है कौन है? वो CDEC है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है, और पुणे के साथ ही 12 ब्रांचेस जो हैं वो इसकी पूरे इंडिया में काम कर रही हैं। उसके बाद मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया था। कंप्यूटर में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अलग अलग चीज़ें हमने देख ली थी। तो जैसे हमने अबेकस को देखा था, नेपियर बॉन्स के बारे में हम बात कर लिए थे, स्लाइड रूल देख लिया था आपने, पास्कलिन के बारे में आपने देखा था कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देता था। उसके बाद मैंने मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज देख लिया था। फिर आपने डिफरेंस इंजन की बात की थी चार्ल्स बेबेज की, कैलकुलेशन टिल 20 डेसिमल नंबर तक ये कैलकुलेट कर लेता है। जो बेस है ना मॉडर्न कंप्यूटर का, जो बेस है वो ये है एनालिटिकल इंजन ऑफ बेबेज, चार्ल्स बेबेज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो स्टोरेज फैसिलिटी, इसके पहले कहीं पर भी आपको स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किस प्रकार की Mark 1 के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया था साइज में काफ़ी बड़ा होता था ये। ठीक है, और वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था ये। ठीक है, जिसका नाम बाद में चेंज हुआ था Mark 1। ठीक है, ओके, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता था। अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। आज के सिस्टम देखिए तो एक व्यक्ति अपने हिसाब से मल्टीपल सिस्टम को चला सकता है एक ही टाइम ड्यूरेशन पर, और यहाँ पर मल्टीपल पर्सन जो है वो एक सिस्टम को भी सही तरीके से चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते थे। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ENIAC के बारे में हमने देख लिया था, फर्स्ट जनरेशन है, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे जिसके कारण से साइज जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के कारण है ना हम सिस्टम में अपग्रेडेशन लगातार करते जा रहे हैं। क्लियर, और जो पहले जनरेशन के सिस्टम डेवलप हो रहे थे, जो पहले की जनरेशन या पहले के टाइम ड्यूरेशन पर चीज़ें डेवलप हो रही थी वहाँ की टेक्नोलॉजी अलग थी, इसलिए उनके फीचर जो थे वो भी अलग थे
है ना। जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने के कारण हमारे सिस्टम के जो फीचर हैं उनमें भी आपको अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, उनके भी फीचर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन सिस्टम की, तो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम में जो यूज़ होता था वो था वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब जो है वो साइज में बहुत बड़ा हुआ करता था और उस टाइम ड्यूरेशन पे वही अवेलेबल था। ऑप्शन नहीं था हमारे पास में कि अगर हमको सिस्टम डेवलप करना है तो इसके अलावा भी किसी चीज़ को यूज़ करके हम उसको डेवलप कर लें, तो ऑप्शन नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने वैक्यूम ट्यूब का ही यूज़ किया और वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करके हमने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन सिस्टम को डेवलप किया। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम है जो ये डेवलप हुए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा, आपको यहाँ इमेज में तो छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तविक रूप में जब आप देखोगे तो इनके साइज काफी बड़े होते थे, तो साइज के बड़े होने के कारण यहाँ पर जो सिस्टम डेवलप होते थे उनके साइज भी बहुत बड़े होते थे। तो इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एनीए किसका एग्जाम्पल है या यूनिवैक इसका एग्जाम्पल है, तो यूनिवैक फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर चीजें आपको क्या दिखाई दे रही कि जो एनीएक है, एनीएक क्या है, उसका साइज कैसा है, तो मैंने बोला कि एक रूम के एरिया के बराबर उसको हमने डेवलप होते देखा था, उसको हमने देखा था कि वो एक उसका साइज एक रूम के बराबर होता था। तो उसका रीजन जो है वो यही कि यहाँ पर जो डिवाइस यूज हो रही है वो उसका साइज बहुत ज्यादा होता था। तो वैक्यूम ट्यूब को यूज करने के कारण फर्स्ट जनरेशन सिस्टम के जो सिस्टम होते थे, फर्स्ट जनरेशन सिस्टम के कंप्यूटर होते थे, वो क्या होते थे, साइज में काफी बड़े होते थे। क्लियर। चलिए वॉइस के बारे में और वीडियो के बारे में प्लीज एक बार और इन्फॉर्म कर दीजिए, सबको क्लियर है वॉइस और वीडियो, सबको क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है? जो लोग भी हैं एक बार इन्फॉर्म कर दें कि वॉइस और वीडियो आप लोगों को क्लियर है। वॉइस आप लोगों को आ रही है? अनीता जी, ठीक है, ओके ओके। चलिए तो यहां पर अब हम बात कर रहे थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने ये देख लिया कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चीजें, तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिस्टम का साइज काफी बड़ा हुआ करता था। यहां से चीजों को अपग्रेड किए, वैक्यूम ट्यूब से स्विच किए ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर के साइज उससे क्या हो गए, कम हो गए, छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर का यूज करके हम सिस्टम को डेवलप करने लगे तो दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई, इससे सिस्टम के साइज भी कम हो गए और उसके फीचर में भी अपग्रेडेशन हुआ। क्या अपग्रेडेशन हुआ अभी मैं बात करूंगा, अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो बेसिक हम क्या डिवाइस में बेसिक अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रकार से चेंज होती चली गई। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ सेकेंड जनरेशन या सेकेंड जनरेशन के जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें कौन सी डिवाइस यूज करते थे, तो वहां पर यूज होती थी ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर के बाद में, क्योंकि यहां देखो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर हो रहा, ट्रांजिस्टर का साइज जो है वो इसके कंपेयर में छोटा है, तो यहां पर सिस्टम भी आप देखिए यहां से जब इधर आएगा तो ये सिस्टम भी क्या दिखाई दे रहा है, साइज में छोटा दिखाई दे रहा है। ट्रांजिस्टर के बाद हमने क्या किया, अपग्रेड किया और ट्रांजिस्टर की जगह हम क्या लेकर आ गए, हम लेकर आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट या हम लेकर आ गए आईसी। इसी आईसी को आपने सुना है ना, कभी कभी टीवी में, कभी कभी आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे आप बोलते हैं कि जब कुछ खराबी आ जाती है तो हम बोलते हैं कि यार आईसी उड़ गया है ना, जो भी व्यक्ति आता है वो बोलता है चेक करने के लिए, बोलता है आपके सिस्टम का आईसी खराब हो गया। तो ये एक ऐसी डिवाइस है कि अगर ये गया तो सिस्टम गया ना, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता था कहाँ पर, थर्ड जनरेशन के सिस्टम में। ओके, तो ये जो थर्ड जनरेशन का सिस्टम है यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, आईसी यूज हो रहा है, इसके कंपेयर में इसके साइज जो है वो छोटे हुआ करते थे और ये फास्ट था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड भी बढ़ रही है और दिखाई दे रहा है कि इसका साइज जो है वो भी कम होता जा रहा है। तो थर्ड जनरेशन में क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद आप जिस चीज पर आए, जिस पर आप आज भी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पर आपको दिखाई देता है माइक्रो प्रोसेसर। अब यहां पर लिखा हुआ है कोर i7 इंटेल,
ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि i3 किस कौन सी कंपनी ने डेवलप किया, i5 किसने डेवलप किया, i7 किसने। तो ये जो i सीरीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये डेवलप करती है, यहाँ लिखा हुआ है कंपनी का नाम इंटेल। ठीक, तो अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे इंटेल हो गई, एएमडी हो गई, ये क्या करती है कि प्रोसेसर बनाती है। तो आई सीरीज के जो प्रोसेसर होते हैं वो इंटेल कंपनी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, क्लियर। और माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो यूज होने लगे कहाँ पर, आईसी की जगह। तो माइक्रो प्रोसेसर के यूज होने से इसका साइज और कम हो गया, जिसके कारण से इसका साइज भी कम हो गया। साइज तो कम होती जा रही है, लेकिन एक तरफ साइज कम हो रही है और दूसरी तरफ स्पीड जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और ये आज भी आप सिस्टम जो चला रहे हैं ना, वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, और साथ ही साथ एआई पर बेस्ड, रोबोटिक्स जैसी चीजें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। कि जो फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम देखने को मिलते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर के फॉर्म में होते हैं, या इसी को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल दीजिए। तो यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम जो हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं, एआई बेस्ड होते हैं। और एआई को बेस करके हम क्या करते हैं, सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम। तो यहाँ पर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आप देखो, जैसे जैसे फर्स्ट से फिफ्थ की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे साइज क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट से फिफ्थ की तरफ बढ़ेंगे, आपकी स्पीड और बाकी फैसिलिटी इंक्रीज होती जाएंगी, अपग्रेड होती जाएंगी। और यहाँ पर फर्स्ट से फिफ्थ की तरफ कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज किया है, तो वो भी आपको दिखाई देगी। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज करके आपने क्या किया, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अलग अलग सिस्टम डेवलप किए। तो यही अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर जो सिस्टम डेवलप हुए उनको हम जनरेशन के नाम से जानते हैं, उनको हम पीढ़ियों के नाम से जानते हैं। कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक हम वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड कंप्यूटर बना रहे थे, तो हमने बोला ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। उसके बाद जब दो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक हम ट्रांजिस्टर पर बेस्ड होकर सिस्टम को डेवलप कर रहे थे, तो वहां पर हम बोल रहे थे कि ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तीसरा, अगर हम बात करें आईसी पर बेस्ड होके, जब आगे हम और बढ़े आईसी पर बेस्ड होके हम बनाने लगे, तो हमने तीसरी पीढ़ी के बारे में बात की। हम थर्ड जनरेशन के बारे में बात करने लगे। चौथी पीढ़ी में आए तो हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करने लगे, और पांचवी पीढ़ी में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने लगे, क्लियर। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, चलिए, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम जनरेशन में ही, एक एक करके इनको देखते हैं कि आखिर फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार था, क्या था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई देगा, जब आप कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं और जब आप फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम की बात करते हैं, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन दिखाई देता है, अब सिस्टम की बात करते हैं तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई देता है, 1940 से लेकर और 1956। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, है ना। कंफ्यूजन की अगर आ रहा हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिए कि कुछ कुछ बुक में टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा सा आपको डिफर दिखाई देगा, हो सकता है 1-2 साल का अंतर आपको दिखे, लेकिन ये ऑथराइज्ड बुक से डेटा लिया गया है इसलिए ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो पांचों जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन है वो ऑथराइज्ड बुक से लिया गया है, इसलिए डेटा जो है वो आप इसी को मानिए, है ना, कि ये एक्यूरेट है। तो यहां पर क्या बोल दिया कि फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम है वो 1940 से लेकर 1956 तक थे, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें तो यूनिवैक जो था, है ना, यूनिवैक इन द सेंस जैसे एनईए का आपने सुना, वैसे यूनिवैक की बात करें, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर से हुई थी जो इसकी शुरुआत, अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो यूनिवैक से इसकी शुरुआत हुई थी और 1940 से लेकर 1956 के दौरान इसको डेवलप किया गया था। आगे अगर आप इसको देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की चीजें मिलेंगी। वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपने देख ही लिया था कि फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम थे उसमें क्या यूज किया जा रहा था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जा रहा था। अब वैक्यूम ट्यूब यूज किया जा रहा था तो इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था, जिसके कारण से ओवरऑल कंप्यूटर जो डेवलप हो रहे थे, सिस्टम जो डेवलप हो रहे थे, उनका जो साइज था वो भी बड़ा था। बस समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसके एग्जाम्पल की, तो एनी एनी वैक या यूनिवैक फर्स्ट जो है वो इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, रीजन क्या था वैक्यूम ट्यूब को यूज करने का, तो मैंने आपको बता दिया है कि उन दिनों उपलब्ध एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक घटक था, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं था ना आपके पास में, आप यूज क्या करोगे। वैक्यूम ट्यूब के अलावा आपके पास में ऑप्शन नहीं, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, आईसी जैसी चीजें थी नहीं, तो आप फिर उसकी जगह यूज क्या करोगे। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए आपने इसका यूज करके, और इसका यूज करके ही ये पॉसिबल हो पाया कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो कंप्यूटर है वो मिली सेकेंड में डेटा की गणना कर सकते हैं, मिली सेकेंड में, है ना। तो कंप्यूटर का स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है, तो अगर ह्यूमन के जरिए आप किसी चीज को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है, इसलिए आपने क्या करने चालू किया, आपने कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है उनको भी बनाना चालू किया। तो यहाँ पर आप इन कंप्यूटर के जरिए क्या कर सकते हो, जो अपना प्रोग्राम है उसको जल्दी से जल्दी आप एग्जीक्यूट करके और आउटपुट ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें सेकेंड जनरेशन सिस्टम की, तो 1956 से लेके 1963 तक आपको दिखाई देगा दूसरी जनरेशन के सिस्टम काम कर रहे थे, और 1956 के बीच में जो डिवाइस यूज हो रही थी वो कौन सी थी, वो थी ट्रांजिस्टर। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो क्या यूज कर रहे थे, वो ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे। ट्रांजिस्टर का यूज करने के बाद में अगर आप उसके एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो IBM 7094 सीरीज जो है वो इसके एग्जाम्पल के तौर पर आएंगे, IBM 1400 सीरीज जो है वो भी सेकेंड जनरेशन है, CDS 164 जो है वो भी आपके सेकेंड जनरेशन के सिस्टम ही है। यहाँ पर आप देखिए, तो अगर आप कंपेयर करते हो फर्स्ट जनरेशन से, तो वहां पर आपको कैसी चीजें दिखाई देती हैं कि स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर बोल रहा है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनकी तुलना में इसका आकार जो है वो कैसा था, वो छोटा हुआ करता था। बस समझ में आ रही है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे उनके कंपेयर में इनका आकार आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्मॉलर दिखाई देगा। दूसरी चीज की फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आप देखो तो ये एक समस्या जनरली देखने को मिल रही थी कि बहुत ज्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है ना, वैक्यूम ट्यूब का यूज करने के कारण हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और जो एनर्जी कंजम्पशन था वो भी उसमें बहुत ज्यादा था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है यूज्ड लेस एनर्जी और वेयर नॉट हीटेड। यहाँ पर बोल रहा है कि एनर्जी जो है वो भी आप कम यूज कर रहे हो, और जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर दी गई, कम कर दी गई। तो यहाँ सेकेंड जनरेशन सिस्टम में आपको क्या देखने को मिला कि एक तो साइज कम हुआ, दूसरा जो पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था वो यहाँ पर कम हो गया, और जो गर्म होने की समस्या हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी वो भी क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। स्पीड मैंने आपको बता ही दिया था कि स्पीड जो है फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में थोड़ा सा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। बात समझ में आ रही है। पेरिफेरल्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से पेरिफेरल्स इसमें यूज किए जाने लगे, टेप ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर जैसे तेज और एक्सटर्नल टूल्स जो है वो उसका यूज हम यहाँ पर करने लगे, और मशीनी लैंग्वेज या मशीन भाषा के स्थान पर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज का हम यूज करने लगे थे यहाँ पर। ओके, तो मशीनी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम मशीन लैंग्वेज का यूज करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को इनपुट कराना वो थोड़ा सा कठिन है ना, उससे आसान है असेंबली लैंग्वेज में, और उससे भी आसान है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये लैंग्वेज भी अपग्रेड होती चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले जो यूज हो रहा था वो मशीन लैंग्वेज का हो रहा था, और उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन पर पहुंचे तो कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी, असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज से जब कन्वर्जन की बात आती है तो एक कन्वर्टर काम करता है, उसको बोल दिया जाता है असेंबलर। हम इनके बारे में भी बात करेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं कि जब आप फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करते हो तो वहां पर आपको साइज छोटा दिखाई देता है, वो एक अच्छी चीज है। जो एनर्जी है वो कम ले रही है, पावर कंजम्पशन कम हो रहा है, हीटिंग की समस्या जो थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज किया जाने लगता है जिससे स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आसान देखने को आपको मिलने लगती है। थर्ड जनरेशन की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको कैसी चीजें दिखाई देंगी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 64 से लेके 1971 तक था। ओके, इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 64 से लेके 1971 तक था। अब इसके पहले अगर आप देखते हो तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में,
हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे हैं, ओके। और सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हम यूज कर रहे थे ट्रांजिस्टर। दूसरा अगर हम बात करें तो हम थर्ड जनरेशन में क्या यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। बात समझ में आ रही है, आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर रहे हैं। देखिए क्या क्या खूबियां इसमें देखने को मिलती है। फर्स्ट आईसी वॉज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1961। पहली बार इसको इन्वेंट और इसका यूज किया गया था 1961 में। आईसी के अगर हम साइज की बात करें तो ये कितनी होती है, द साइज ऑफ एन आईसी इज अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच। मतलब आप समझ लीजिए कि एक इंच का लगभग इतने साइज का 1/4 पार्ट जो है वो आपका आईसी के बराबर होता है। क्लियर, तो इसका जो साइज है वो आपको समझ में आ रहा है काफी छोटा है, और इतने छोटे डिवाइस का यूज करने के कारण आपका सिस्टम जो है उसका साइज भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज जब आप इसमें देखते हो थर्ड जनरेशन में, तो आपको दिखाई देता है कि एक आईसी में हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं, एक आईसी में हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं। अब एक ट्रांजिस्टर जो है वो किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मान लीजिए कि 1 नैनो सेकेंड लगे। बात समझ में आ रही है। और अगर 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 1/1000 नैनो सेकेंड लगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम एक आईसी यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी होती है, जितना 1000 ट्रांजिस्टर साथ में मिलकर काम करेंगे उतना एक आईसी जो है वो अकेले काम करेगा। तो स्पीड आप समझ लीजिए कि थर्ड जनरेशन के जो सिस्टम है उसकी स्पीड सेकेंड जनरेशन के सिस्टम के कंपेयर में कितनी फास्ट होगी, लगभग 1000 टाइम जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई ना। बात समझ में आ रही है। ये वही चीज है जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं ना कि एक लोग जो है वो उस काम को 10 घंटे में करते हैं, 10 लोग इस काम को 1 घंटे में करते हैं, तो इस तरीके की चीजें आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर ये वही चीज है ना कि जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, काम उतनी तेजी से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे उतने ज्यादा एग्जीक्यूशन, और उसकी जगह अगर एक आईसी यूज कर लेते हो तो वो 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर के बराबर स्पीड जो है वो आपको दे देगा। एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, तो नाम याद रखिएगा IBM 370, IBM सिस्टम 360, यूनिवैक 1108, यूनिवैक AC 9000। इसके जैसे जितने भी कंप्यूटर हैं और भी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ तो 3-4 ही डाले हुए हैं। तो ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन सिस्टम जो किस पर बेस्ड थे, जो आईसी पर बेस्ड थे। क्लियर, आईसी पर बेस्ड के बाद में जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको समझ में आता है क्या इसके फीचर्स हैं। तो आपको ये दिखाई देता है कि साइज जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई, स्मॉलर इन साइज, स्पीड बढ़ गई है, फास्ट हो गया है और ज्यादा रिलायबल हो गया है। बस समझ में आ रही है। और एक्सपेंसिव जो है वो कम हो गया। तो मतलब ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि एक तरफ स्पीड भी बढ़ गई है, रिलायबल भी ज्यादा हो रहा है, दूसरा साइज जो है वो भी कम है, तो मूवेबल आसानी से कर सकते हैं या मूव करा सकते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह। और उसके बावजूद इसके जो रेट है, इसका जो अमाउंट है वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे कम होता गया। तो ये एक अच्छी चीज है ना। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के बढ़ने से जो कंज्यूमर है उसको भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं, इसके आप एग्जाम्पल देख ही लिए, कंपेयर करें अगर प्रीवियस जनरेशन से, तो आपको समझ में आएगा कि साइज जो है वो पिछली पीढ़ियों की कंपेयर में थोड़ा सा और छोटा हो गया, रिलायबल ज्यादा हो गया ना, ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि एरर जो है वो कम आने लगेंगे। बात समझ में आ रही है। लेस एनर्जी कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर कम हो गया है, स्पीड बढ़ गई है, ठीक है, और मिली सेकेंड में डेटा जो है उसको कैलकुलेट कर ले रहा है। बात समझ में आ रही है। तो स्पीड जो है वो पिछले जनरेशन के कंपेयर में थोड़ा सा बढ़ गई। नेक्स्ट अगर बात करें, थर्ड से चलते हैं फोर्थ की तरफ, बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। टाइम ड्यूरेशन देखें फोर्थ जनरेशन में, तो 1971 से लेकर और आज तक के जो भी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं मैक्सिमम वो जो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहला रहे हैं, है ना। आज भी हम जो लैपटॉप वगैरह ले रहे हैं वो हम बोलते हैं ना कि कौन सा प्रोसेसर, प्रोसेसर मीन्स यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि i7 है, i11 है, कौन सा है,
या i3 है या i5 है ना। तो यहाँ पर चीजें जो है वो किस प्रकार से, तो आज भी जो सिस्टम डेवलप हो रहे हैं वो 1971 से लेके अभी तक वो फोर्थ जनरेशन के सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड नहीं है ना, एआई बेस्ड भी। इसलिए बोला जाता है कि जो फोर्थ जनरेशन और जो फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम है दोनों का टाइम ड्यूरेशन भी यही है। बात समझ में आ रही है? तो अगले जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन यहां से शुरू हो चुका है, बात समझ में आ रही है? और यहां पर फोर्थ जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन अभी चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुई है चीजें। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि चौथी पीढ़ी के जो सिस्टम है उनमें क्या यूज कर रहे हैं, उन पर यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ, वैसे ही हमने अपग्रेड किया चीजों को और फोर्थ जनरेशन के सिस्टम हम बनाने लगे। किस पर बेस्ड करके? माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड करके। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर क्या बोल रहा है, इट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ आईसीज। आप आईसी में देख रहे थे कि थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को वो रखे हुए थे, यहां पर आपको बोल रहा है थाउजेंड ऑफ आईसीज को रखा हुआ। बात समझ में आ रही है? रखा हुआ इन द सेंस कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी, जितना थाउजेंड आईसी एक बार में एग्जीक्यूट करेंगे चीजों को उतना एक माइक्रो प्रोसेसर अकेले एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो यहां पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही है कि इसकी, यहां से इस चीज को देखते ही हमको समझ में आ गया कि इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो और ज्यादा फास्ट, और ज्यादा रिलायबल, और ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो यहां पर आप इसमें देख सकते हो। LSI और VLSI पर बेस्ड था इसकी जो डिजाइन किए गए थे वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको आप LSI और VLSI के नाम से जानते हैं, वहां पर इस पर डिजाइन किया गया था, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो साइज इसका बहुत कम हो गया था। आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर आमतौर पर आकार में 1 वर्ग इंच के बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या बोल रहा है, 1 स्क्वायर इंच, आईसी से थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को ये मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर, है ना, लगभग 4 गुना बड़ा, क्योंकि एक आईसी का जो साइज था वो था 1/4 इंच, है ना, और इसका जो साइज है वो है 1 इंच, तो लगभग 4 टाइम साइज इसका जो है वो बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसका भी साइज जो है वो 1 ही इंच के बराबर है, तो है बहुत कम, लेकिन जब आईसी से कंपेयर करेंगे तो साइज थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? और इसमें लाखों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकते हैं। इतनी चीजों की हमने बात कर ली, देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो चौथी पीढ़ी के अगर उदाहरण की बात करेंगे तो एप्पल के जो सिस्टम है वो IBM के जो भी PCs वगैरह हैं वो, है ना, तो जो भी आज सिस्टम जानते हैं वो सारे के सारे फोर्थ जनरेशन में ही आते हैं। जो मोर पावरफुल एंड रिलायबल देन द प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में और ज़्यादा शक्तिशाली हैं और ज़्यादा भरोसेमंद हैं, ज़्यादा ज़्यादा रिलायबल हैं और पावरफुल हैं। साइज इनका और ज़्यादा छोटा हो गया है, साइज जो है वो और ज़्यादा छोटा हो गया। हीटिंग की प्रॉब्लम जो कम हो रही थी फर्स्ट जनरेशन से, आप देख रहे हो लगातार जो हीटिंग की प्रॉब्लम कम हो रही है ना, वो फर्स्ट जनरेशन से हीटिंग की प्रॉब्लम कम होते होते जब माइक्रो प्रोसेसर पर आए तो इस चीज के लिए यहाँ पर क्या बोल दिया कि फैन फॉर हीट डिस्चार्जिंग एंड दस टू कीप द कोल्ड, है ना। तो वहां पर बोल दिया कि हीट डिस्चार्जिंग के लिए पंखे का प्रयोग इसको ठंडा रखने के लिए किया गया। तो आप देखते हो कि लैपटॉप के नीचे आपको फैन साइड में आवाज आती रहती है ना, तो जब आप उसको खोलते हो तो वहां पर आपको दिखाई देता है कि एक छोटा सा फैन लगा हुआ है, या जब आप CPU को खोलते हो तो वहां पर आपको फैन जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि हीट डिस्चार्जिंग के लिए जनरली यहाँ पर अगर ये हीटिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत जो प्रीवियस जनरेशन से तो काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद उसको भी कम करने के लिए और उसको कूल रखने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, फैन जो है उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सबसे अच्छी चीज है आज के टाइम पे, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है हमको ज्यादा से ज्यादा मतलब चीजों को यूज करने के लिए हम क्या ढूंढते हैं कि अच्छी चीजें सस्ते रेट में मिल जाए ना। तो ये एक उसी चीज का उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि जितने भी जनरेशन के सिस्टम है सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा लेस एनर्जी कंजम्पशन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक आपको मशीन दिखाई दे रही है, और उसमें सबसे बेहतर चीज जो है वो क्या है कि जो इसका रेट है वो बाकी जनरेशन के कंपेयर में सबसे कम दिखाई देता है, चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशन। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के कंप्यूटर में सभी प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रयोग की जाती है, जो सबसे आसान भाषा है उसको हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज करते हैं, और इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया
इसलिए यहाँ पर बोल दिया गया कि इनका यूज़ करना भी आसान होता गया, ठीक है। इनमें फीचर्स जो है वो भी अपग्रेड होते चले गए, और फीचर्स के अपग्रेड होने के साथ साथ यहाँ पर रेट जो है वो भी इनके कम होते चले गए। तो यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्थ जनरेशन के जो सिस्टम है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि फोर्थ जनरेशन के जो सिस्टम है उसमें प्रीवियस जनरेशन के सिस्टम के कंपेयर में फीचर्स बहुत इंक्रीज हो गए। बात करें अगर फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम की, बात करें अगर हम फिफ्थ जनरेशन के सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन है प्रेजेंट से बियॉन्ड, है ना। तो आगे आने वाले समय में आप जो बात करेंगे, आप जो सिस्टम का डेवलपमेंट देखेंगे, वो किस पर होगा? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा, वो एआई बेस्ड होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो एआई बेस्ड होगा जो आज से चालू हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया कि प्रेजेंट से चालू है और आगे जो है वो चलता रहेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है, साइंटिस्ट लगातार उस पर वर्क कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये सिस्टम है, जरूर याद रखें, ठीक है। पूछ भी सकता है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है, थोड़ा सा अपग्रेड है कि कंप्यूटर बोले गए शब्दों को भी समझ सकता है और मानवीय तर्कों की नकल भी कर सकता है। आप रोबोट वगैरह देखे होंगे, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो ओरली फॉर्म में भी दिए जा रहे हैं, तो उनको भी चीज़ों को कर रहा है ना। तो वहाँ पर आप इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। आईबीएम का जो वॉटसन कंप्यूटर है, वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एक उदाहरण माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का, तो वो कौन सा है? वो है आईबीएम का वॉटसन कंप्यूटर। ओके, वो कौन सा है? वो है आईबीएम का वॉटसन कंप्यूटर। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेमोरी साइज के बेसिस पर। कंप्यूटर का जो डिवीज़न है ना, वो क्या क्या है, और मेमोरी साइज के बाद में जैसे माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर है, ये तो हम करेंगे ही, और कंप्यूटर के टाइप क्या क्या है। तो आपने एनालॉग, आपने डिजिटल, आपने हाइब्रिड कंप्यूटर सुना होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम कल जो बात करेंगे वो टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, और टाइप ऑफ कंप्यूटर के बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, है ना। तो हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे कि आप आखिर किन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप उसको बताएं, मैसेज करें, हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।